नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं उस समय की कहानी बता रहा हूं जब भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर गए और सुग्रीव का राजपाट शाम तलक उसको दिला देते हैं और अब वादा निभाने का समय आता है सुग्रीव का। तो सुग्रीव अपने महलों में जाकर के आराम करता है। भगवान श्री राम इस स्थिति को देख करके बहुत ही चिंतित होते हैं कि मनुष्य का जब काम पड़ता है तो कैसे उनके आगे पीछे घूमता है, लेकिन जब काम निकल जाता है तो किस तरह से वो मुख मोड़ लेता है। रामचंद्र जी की इस बात पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो कहते हैं, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूं। उस घन मदवाले मतवाले को बस अभी बांध कर लाता हूं, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटा दूंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। तो दोस्तों यही काम करने का समय आ चुका है। ये वही लोग हैं जो भगवान राम को भी वादा करके चले गए हैं, वो अपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं। दोस्तों अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वो इंसान है जो इफ्तार पार्टियों में जाता है, बोहरा के मस्जिद में जाता है, सिंगापुर के मस्जिद में जाता है, इंडोनेशिया के मस्जिद में जाता है, मलेशिया के मस्जिद में जाता है, लेकिन इस इंसान को इतना समय नहीं मिलता है कि वो अयोध्या में जाकर भगवान राम के दर्शन कराए। लेकिन नारा ऐसे देगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और रोना रोएगा कि हिंदुत्व खतरे में है। दोस्तों उस इंसान का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और साथ ही साथ ऐसे इंसान के भक्तों को भी ये वीडियो जरूर टैग करें। दोस्तों याद रखना, काम नहीं कारनामे बोलते हैं, काम नहीं कारनामे बोलते हैं दोस्तों।